वालेकुम क्लास बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 8.6 के क्वेश्चन नंबर वन तक करवाया था अब नेक्स्ट आज देखें आपको 8.2 के क्वेश्चन नंबर टू से लेके ऑनवर्ड करवाऊंगी और कुछ डेफिनेशंस बताऊंगी अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या कहा हुआ है विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर्स आर कंपेरेबल इन दी पो सेट जेड प्लस कॉमा डिवाइड्स आपने बताना है कि आपके पास जो गिवन पेयर्स हैं वो कम्पेयरेबल हैं या कंपेयरेबल नहीं है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कोई भी सेट आपके पास कम्पेयरेबल कब होता है जब आपके पास गिवन ऑपरेशन के साथ वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो या ए बी के रिस्पेक्ट से उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो या बी ए के रिस्पेक्ट से उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो ठीक है जैसे कि देखिए यहाँ पे फाइव और फिफ्टीन दिया हुआ है हमें कहा गया है डिवीजन के साथ चेक करना है क्या वो कंपेरेबल है ये दोनों में से ये दोनों आपके पास कंपेरेबल कब होंगे या तो फ़ाइव फिफ्टी को डिवाइड करता हो या फ़िफ्टीन फाइव को डिवाइड करता हो अब आप कहोगे कि ये कंपेरेबल है कंपेरेबल क्यों है क्योंकि मैं पता है फाइव फिफ्टीन को डिवाइड कर देता है डैट ये वाले दोनों पेयर आपके पास कंपेरेबल हैं उसके बाद नेक्स्ट सिक्स और नाइन है सिक्स और नाइन आप कहोगे ये कंपेरेबल नहीं है क्योंकि ना तो सिक्स पूरे का पूरा नाइन को डिवाइड करता है ना नाइन पूरे का पूरा सिक्स को डिवाइड करता है उसके बाद एट और सिक्सटीन है आप कहोगे ये कंपेरेबल है क्योंकि को को डिवाइड कर देता है डेट्स वाई ये आपके पास कंपेरेबल आ गए डी पार्ट में सेवन सेवन था ये दोनों भी कंपेरेबल है क्योंकि सेवन सेवन को डिवाइड करता है कोई भी इंटीजर अपने आप को डिवाइड करता होता है डेट्स वाई डी पार्ट में भी आप कह दोगे ये कंपेरेबल है उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे कहा है आपको एक सेट बता दिया वह है जीरो वन और टू आपने इसके कोई से दो इनकम्पेयरेबल एलिमेंट बताने इनकम्पेयरेबल एलिमेंट्स का मतलब है ऐसे इसके कोई से दो एलिमेंट्स बताने हैं जो दोनों एक दूसरे के सबसेट ना हो अब देखिए अगर मैं एक साइड जीरो वन ले लूँ एक साइड टू ले लूँ तो देखेंगे दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है इसका मतलब ये दोनों इनकम्पेयरेबल हैं क्योंकि ना तो ये इसके सबसेट बनता है ना इसका सबसेट बनता है पहली चीज़ आपके पास ये हो जाएगी दूसरा मैंने सेट ले लिया अगर मैं जीरो वन और वन टू ले लूँ तब भी ये इनकम्पेयरेबल होगा क्योंकि ना तो पूरे का पूरा जीरो वन इसमें आ रहा है ना पूरे का पूरा वन टू इसमें आ रहा है तो ये इसकी सेकेंड एग्जाम्पल हो गई वैसे तो उन्होंने टू एग्जाम्पल्स कहा था मैंने थ्री लिख दी है आपके आसानी के लिए आप कोई से भी तीन कर सकते हैं आप ये भी कह सकते हो कि जीरो वन और जीरो टू क्योंकि ना पूरे का पूरा जीरो वन इसमें आता है ना पूरे का पूरा जीरो के लेने हैं कि जो दोनों पूरे के पूरे एक दूसरे के अंदर ना आते हो तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आपका यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है इसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर आप लोगों ने नहीं करना फाइव सिक्स करने हैं अब फाइव सिक्स के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट आ रहा है सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन समझाऊंगी उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी अब देखिए आपके पास मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है प्रीवियस डेफिनेशन के आगे मैक्सिमम एलिमेंट की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है मैक्सिमम एलिमेंट क्या है अगर कोई आपको सेट दे दिया गया है एस लेस देन इक्वल टू के साथ और इस टाइप का सेट ब्रैकेट की फॉर्म में आ जाए वो पार्शियल ऑर्डर सेट होता है यानी कि आपको कोई पार्शियल ऑर्डर सेट दे दिया गया है एन एलिमेंट ऑफ पो सेट पो सेट का मतलब होता है पार्शियल ऑर्डर्ड सेट का अगर आप कोई एलिमेंट लो इस कार्ड मैक्मम का, मैक्सिमल आप उसे मैक्सिमम एलिमेंट कहोगे इफ इट इज़ नॉट लेस देन एनी अदर एलिमेंट ऑफ पोसेट आपके पास अगर कोई सेट दे दिया गया है उसके उस एलिमेंट को आप मैक्सिमल एलिमेंट कहोगे अगर वो सारे के सारे नंबर से आपके पास बड़ा आ रहा हो जैसे कि अगर ये पूरे का पूरा सेट है मैं कहूँ इसका मैक्सिमल एलिमेंट बताएं तो पहला मैक्सिमल एलिमेंट आपके पास इसका ट्वेंटी होगा क्योंकि ट्वेंटी एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सारे के सारे एलिमेंट से आपके पास बड़ा एलिमेंट आ रहा है ठीक है इसके बाद सेकंड मैक्सिमल एलिमेंट की बात करूँ तो सेकंड मैक्मल एलिमेंट आपके पास 20 होगा जो कि बाकी सारे के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा इसके थर्ड मैक्मल एलिमेंट की बात करूँ तो थर्ड मैक्मलम एलिमेंट आपके पास 12 होगा क्योंकि वो सबसे बड़ा एलिमेंट आपके पास होगा ठीक है इसी तरह मैक्सीम एलिमेंट आपने कैलकुलेट करना है किसी भी एलिमेंट को आप मैक्सीम एलिमेंट कब कहोगे अगर वो एलिमेंट बाकी सारे के सारे एलिमेंट से बड़ा आ रहा हो इसी तरह मिनिमल एलिमेंट अब मिनिमल के नेम से पता चलता है कि ये सबसे छोटा एलिमेंट होगा ऐसे एलिमेंट को आपने मिनिमल कहना है या तो वो किसी से ग्रेटर देन ना हो सारे के सारे नंबर उससे ग्रेटर हो ठीक है इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं कि स्मॉल एम जो है हमेशा लेस होना चाहिए ए से यानी कि अगर मैं इधर बात करूं मुझे मिनिमल एलिमेंट बताएं तो सबसे पहले मिनिमल एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा टू जो सबसे छोटा है सेकंड मिनिमल एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा फोर जो बाकी सबसे छोटा है ठीक है इस तरह मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट बता सकते हो अब देखें क्वेश्चन नंबर फाइव में कुछ मैक्सिमल मिनिमल की आपके पास है कुछ ग्रेटेस्ट और लीस्ट की है मैक्सीमल मिनिमल की डेफिनेशन बता दी है बाकी एलिमेंट्स की भी आपको पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगी फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसके क्वेश्चंस करवाऊंगी अब मैक्सिमल और मिनिमल के बाद नेक्स्ट आपके पास जो तो डेफिनेशन आ जाती है वो है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट आपके पास सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है और सबसे लीस्ट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द मैक्सिमल एलिमेंट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट Or the minimal element from the minimal elements is called least element. अब देखेंगे यानी कि जिस तरह ये सेट है इसके एक टाइम में देखें तीन मैक्सिमल एलिमेंट है तो इन तीनों मैक्सिमल एलिमेंट में जो सबसे बड़ा मैक्सिमल एलिमेंट होगा उसको आप ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहोगे किसी भी सेट के दो तीन मिनिमल एलिमेंट आपने ले लेने सिक्वेंस में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसे मिनिमल एलिमेंट कहोगे यानी कि अगर मैं इसका मिनिमम या लीस्ट एलिमेंट कहूँ तो वो टू होगा ग्रेटेस्ट कहूँ तो ट्वेंटी फाइव होगा लेकिन जब मैक्सिमल कहूँगी तो एक टाइम में पहला मैक्सिमल ट्वेंटी फाइव होगा फिर ट्वेंटी होगा फिर ट्वेल्व होगा इसी तरह अगर मैं मिनिमल कहूँगी तो पहला मिनिमल टू होगा फिर फोर होगा फिर फाइव होगा लेकिन लीस्ट सिर्फ एक एलिमेंट होगा टू और ग्रेटेस्ट सिर्फ एक एलिमेंट होगा जो कि होगा ट्वेंटी फाइव ठीक है ये दोनों ये डेफिनेशन बेसिकली इन दोनों को बताती है